पेरेंट्स लोग बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं सेक्स में, इसके लिए बच्चों का ट्रस्ट अपने पेरेंट्स से उड़ गया। आप अपने बॉडी को सुनो, बॉडी जब बोलती है सेक्स की इच्छा है, सेक्स की इच्छा है। सेक्स लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो बॉडी की भूख रहती है और इसमें कोई गिल्ट फीलिंग नहीं आनी चाहिए, और सेक्स एंजॉय करने के लिए कोई पार्टनर देख लेना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि 16 से 25 साल की उम्र तक ह्यूमन बीइंग का सेक्स पीक में रहता है, और जो ये पीरियड में सेक्स एंजॉय कर लेते हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं अपने लाइफ के ड्रीम गोल पे काम करने के लिए। और कुछ लोग हैं जो ज़्यादा धार्मिक होते हैं, वो सेक्स को गलत मानते हैं, पाप मानते हैं, और काफ़ी कंट्रोल करने में सक्सेस भी हो जाते हैं मगर वो सेक्स का प्रवचन हो जाता है। और ये लोग ज़्यादा पोर्नोग्राफी, ज़्यादा इमेजिनरी सेक्स और दिन रात सेक्स के बारे में सोचना, और उनका माइंड उधर ऑक्यूपाई हो जाता है, और ऐसे लोग मास्टरबेशन भी ज़्यादा करते हैं। मेंटल हेल्थ का सेक्स का कनेक्शन है कि सेक्स में अगर आप इनकम्प्लीट हो तो आप मेंटल इलनेस को बुलावा दे रहे हो, और अगर आपको मेंटल इलनेस आ गई है तो आपका सेक्स का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और क्योंकि आपका नेचर ख़राब रहेगा तो आपको सेक्स के लिए पार्टनर मिलेगा नहीं, तो ये कंप्लीशन मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और फिर आप दवाई खाओगे तो उससे बहुत सारे सेक्सुअल लाइफ में साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जैसे इरेक्शन का प्रॉब्लम होना, और या सैडनेस आती है तो इच्छा ही नहीं होती है लेडी लोगों की, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और सेक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, हेल्दी सेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्दी माइंड के लिए। पेरेंट्स लोग बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं सेक्स में, इसके लिए बच्चों का ट्रस्ट अपने पेरेंट्स से उड़ गया, क्योंकि वहाँ पे उनको ऑप्शन मिला तो पहले वो जाते हैं और बच्चों को बोलते हैं वो सब गलत चीज़ है, पढ़ाई पे फोकस करो, ये हिपोक्रेसी है पेरेंट्स की, और बच्चे लोग बेवकूफ़ रहते हैं, वो मान लेते उसकी बात। आप अपने बॉडी को सुनो, बॉडी जब बोलती है सेक्स की इच्छा है, सेक्स की इच्छा है। नहीं, सेक्स एडुकेशन की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ नेचुरल है। 14-15 साल में अपने आप बॉडी बोलती है कि मेरे को चाहिएगी कोई, मेरे को टच करे, और टच करे तो अच्छी फीलिंग आती है, क्या एडुकेशन की जरूरत है। एक टाइम था जब कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं था, तभी लेडीज़ को प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन था और पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी, उस समय सेक्स को सीरियस लेना ज़रूरी था। आज के दिन तो कॉन्ट्रासेप्टिव है, क्यों सीरियस लेना है, जैसे खाना खाते हो और भूल जाते हो वैसे ही सेक्स हो जाएगा थोड़े समय में, इंडिया में भी करो और भूल जाओ, फील इट एंड फॉरगेट इट। पहले की फिल्म दिखाते थे बस सेक्स हो गया तो बस शादी करोगे, ओबीडियंट चाली स्टूपिड चाली।